ऊपर से लेके नीचे तक कैसे हमारा सिस्टम भ्रष्टाचार की बलि चढ़ते जा रहा है, इसका उदाहरण पुणे एक्सीडेंट केस से बढ़िया और कोई केस हो ही नहीं सकता है। इस मामले में पुलिस से लेकर राजनेता और अब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स के शामिल होने का खुलासा हो चुका है। परत दर परत हो रहे खुलासे हमारे सिस्टम को किस तरह से खोखले कर रहे हैं, आज इसकी ही हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करते हैं इस मामले के लेटेस्ट डेवलपमेंट की, जिसमें डॉक्टर्स के मिलीभगत होने की खबर सामने आई है। पुलिस ने अब इस मामले में सरकारी अस्पताल के दो डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। इन डॉक्टर्स पर आरोपी के ब्लड सैंपल को बदलने का आरोप है। जानकारी के अनुसार फॉरेंसिक टीम के प्रमुख डॉक्टर अजय तावड़े और ससुन अस्पताल के ब्लड बैंक के डॉक्टर श्रीहरि हल्लोर को रविवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस रात आरोपी का ब्लड सैंपल लिया गया था, उस रात इन डॉक्टर्स ने मिलकर ब्लड सैंपल को बदलने का काम किया, जिसके चलते आरोपी की पहली अल्कोहल रिपोर्ट नेगेटिव आई। ब्लड सैंपल को बदलने के लिए आरोपी डॉक्टर्स को 3 लाख रुपए दिए जाने की जानकारी भी सामने आ रही है। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आरोपी का ब्लड सैंपल ससुन अस्पताल में लिया गया, लेकिन आरोपी डॉक्टर्स ने उस ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया और उसकी जगह दूसरे का ब्लड सैंपल टेस्ट करने के लिए भेज दिया और इसी के चलते आरोपी की पहली अल्कोहल रिपोर्ट नेगेटिव आई। फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससुन हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। ये वो निष्कर्ष पे जो औंध की सैंपल हमने औंध हॉस्पिटल में जो हमने सैंपल सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी, उसके तहत ये बात सामने आई। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है, मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट सैंपल करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था। परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था, मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। इसके बाद जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस पर उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज उसने डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के एचओडी फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये एक्ट ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। अब बात करते हैं पुलिस की। इस मामले में जिस तरह से पुलिस के दो अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, उससे ये तो साफ है कि पुलिस ने भी इस मामले में कहीं ना कहीं प्राथमिक तौर पर आरोपी को बचाने का काम किया। 24 मई को यरवड़ा पुलिस स्टेशन के पीआई राहुल जगदाले और एपीआई विश्वनाथ तोड़करी को ड्यूटी पर लापरवाही करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। पुणे पुलिस कमिश्नर ने 24 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि पुलिस ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती और इन लोगों पर सबूत मिटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। सस्पेंड किए गए पुलिस अधिकारी घटना वाले स्पॉट पर उस रात पहुंचे थे, लेकिन इन लोगों ने कंट्रोल रूम को सही समय पर जानकारी नहीं दी। ये लड़का, ये आरोपी ये गाड़ी लेके निकला है। इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेजेस और अलग अलग एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस के तौर पे हमारी निश्चित हुई है कि ये गाड़ी ये जुवेनाइल एक्यूज चला रहा था। पुलिस पर लापरवाही करने के आरोप मारे गए दोनों इंजीनियर्स के दोस्तों ने भी लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने मृतकों के दोस्तों को पुलिस स्टेशन में कई
देर तक बैठाने का काम किया। खबर यह भी है कि जब इन लोगों ने आरोपी के ब्लड सैंपल के टेस्ट करने की बात कही तो पुलिस ने उन्हें हड़काने का काम किया और पुलिस ने यह भी कहा कि क्या आप लोगों का भी मैं ब्लड टेस्ट करूं। मृतक के दोस्तों का यह कहना है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं आरोपी को बचाने और दबाव में काम किया। इस मामले में जिस तरह से आरोपी को जमानत दी गई, जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा, उसको देखकर यह पहले से ही कहा जा रहा है कि पुलिस ने राजनेताओं के दबाव में काम किया। इस इलाके के विधायक सुनील तिंगरे पर पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप विपक्षी पार्टियों ने लगाया था। सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बताना चाहिए था कि पुलिस को फोन करके दबाव बनाने का काम किसने किया। जिस तरह से ये जो क्रूर हत्या हुई है पूना में, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और देवेंद्र जी का जो स्टेटमेंट है, देवेंद्र जी ने कहा पुलिस वालों को कि पुलिस किसी भी राजकीय नेता से डरे ना, ना प्रेशर से डरे। तो ये किसका प्रेशर है? वो तो विरोधी पक्ष का तो नहीं हो सकता, तो वो सत्ताधारी का ही हो सकता है ना। पॉलिटिकल प्रेशर कौन डाल सकता है? तो सत्ता पक्ष ही डाल सकता है। तो सत्ता पक्ष के किस नेता ने फोन किया, किस नेता के कारण उसको बेल मिली, इसका जवाब देवेंद्र जी हम सबको दे दे। और 400 सांसदों का और पीओको का क्या लेना देना, समझ में नहीं आ बात। नहीं, ट्वीट भी किया हो तो सांसद क्या करेंगे उसमें, 400 सांसद क्या करेंगे उसमें। नहीं, ये गलत है। मैंने कल भी कहा था, मैं दो दिन से निर्वाचन क्षेत्र में यही कहने जा रही हूँ कि इस देश को जवाब चाहिए, उस माँ बाप को जवाब चाहिए कि, और इस देश के जो नेता अब सत्ता में उनको जवाब देना पड़ेगा कि उसको बेल कैसी मिली, किसने, किस नेता ने फोन किया, किस नेता के कारण उसको बेल भी दी, पिज्जा भी, बिरयानी भी दी, किसने खिलाया ये? इसका जवाब देश को देना पड़ेगा देवेंद्र जी को, क्योंकि देवेंद्र जी खुद बोले हैं और खुद माना है उन्होंने कि राजकीय प्रेशर दबाव में मत आइए। उन्होंने ये पुलिस को बोला है, मतलब किसी का तो राजकीय दबाव आया है, तो दबाव किसका था? जवाब दे देवेंद्र जी इस देश को। पुणे का ये मामला अपने आप में इस बात की मिसाल बन चुका है कि कैसे पैसे और परिवार के रसूख के दम पर कानून को अपने हाथ की कठपुतली बनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार ने अपने शराबी नाबालिग बेटे को बचाने के लिए पैसे और अपने कनेक्शन का भरपूर इस्तेमाल किया। कहा जा रहा है कि परिवार के बड़े कनेक्शन होने के चलते ही नेताओं ने पुलिस को आधी रात फोन किया था और इसी के चलते पुलिस ने दबाव में काम किया। इतना ही नहीं, आरोपी के दादा ने गरीब ड्राइवर को गुनाह कबूलने के लिए उस पर दबाव बनाने का काम किया। ब्लड रिपोर्ट को बदलने के लिए भी लाखों रुपए फॉरेंसिक और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स को दिए गए। पुणे के इस हिट एंड रन मामले में जिस तरह से सिस्टम को पैसे और पावर के दम पर तोड़ने की कोशिश की गई, वो अपने आप में हमारी पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। क्या कुछ पैसों के लिए न्याय के साथ समझौता करना कितना सही है, यह आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।